हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड, तो फ्रेंड मैं अभी ठीक हूँ। और फ्रेंड अभी हो रहा है शाम का टाइम, यानी कि बता दे रही हूँ 3:30 हो रहा है। और मेरी बेटी पीछे है टोकरी लेके छोटा सा। मैं और मेरी बेटी जा रही हूँ सब्जी तोड़ने के। आप ऐसी वीडियो बना रही, उसको देखिए के लिए लटकी हुई है। देखिए कहती है अतार अतार, ये देखिए ये देखिए 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 कहीं से भटक रही है। देखिए कितना तेज चल रही है। देखिए देखिए कह रही है अब भी सूट तोड़ने जा रही हूँ अब भी। ये देखिए 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 पागल को। हाँ सही से पकड़ो। हाँ फ्रेंड मैं अभी तोड़ रही हूँ सीम, और मेरी बेटी नीचे बैठी है और कह रही है ला एक एक करके टोकरी में डाल दिए। देखिए अभी इतना तोड़ी हूँ। बेटू क्या है ये, इधर देखो तो एक बार, इधर देखो ना, इधर देखो ना। कितना काम कर रही है। ए, गिर जाएगा, नीचे रखो नीचे ना। ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और हल्की हल्की धूप है और अभी हम तोड़ रहे हैं। किन किन लोगों को सीम की सब्ज़ी पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। सीम की सब्ज़ी नहीं, आज भुजिया बनाऊँगी, है ना। तो अच्छी लगती है भुजिया, हल्की मीठी मीठी लगती है, जिसकी वजह से मैं तोड़ रही हूँ। ये रही सीम। ऐसी वीडियो में बने रही है फ्रेंड। आज वीडियो थोड़ा लेट से स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि ना मतलब मैं ना भूल चुकी थी कि मुझे ना ब्लॉग्स भी बनाने हैं। एक ब्लॉग मैं पोस्ट कर दी थी, तो फिर मुझे याद आया कि आज ना मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही, मतलब सुबह से ही नहीं बनाई हूँ। तो जिसकी वजह से अभी स्टार्ट करी हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी से कल तक पता नहीं ब्लॉग हो भी पाएगा कि नहीं। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फली हुई है। देखिए ये रही, एक जगह 5-6 रहता है। अब मेरी बेटी इधर राजमा का भी खेत है ना, तो राजमा का भी तोड़ देती है। क्या हुआ क्या हुआ, आराम से इधर खड़ी हो जाओ। हाँ नीचे रहने, कहाँ जा रही हो। तो फाइनली फ्रेंड अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं अभी खाना चढ़ा चुकी हूँ, जो कि मैं आप लोग को बताई मैं सीम की भुजिया बना रही हूँ। ये देखिए इसको काटते काटते बहुत ही शाम हो गया, देख रहे हैं। बस अब थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। ये काटने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा काटना पड़ा है, देख रहे हैं। देखिए और ये रहा इधर चूल्हा पे कढ़ाई चढ़ा हुआ है ना। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रही। तो फ्रेंड हाँ एक बात बोलनी थी आप लोग से, मैं ना वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि शॉर्ट वीडियो फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ, रील्स। तो अगर मैं चप्पल पहन के वहाँ पे बनाती हूँ खाना, तो बहुत लोग का कमेंट आता है कि चप्पल पहन के खाना नहीं बनाना चाहिए, अन्न का अपमान होता है। तो फ्रेंड बताइए, इतनी ठंड का मौसम है और हमारे यहाँ चूल्हा पे खाना बनता है, कोई घर में बंद घर में नहीं बनता है, बाहर में पूरा खुला खुला है, देख सकते हैं पूरा कोहरा अंदर जाता है, हाथ पैर मतलब एकदम ठंडा रहता है। तो चप्पल नहीं पहनो बताइए, तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्ची छोटी है, पहनना नहीं चाहिए क्या आप लोग। हाँ सही में मैं भी मानती हूँ नहीं पहन के बनाना चाहिए, पर ठंड के मौसम में मैं पहन के बनाती हूँ। वैसे गर्मी के मौसम में देखते होंगे वीडियो, उसमें मैं नहीं पहनती थी, ठीक है ना। बट अब ठंड का मौसम है, मजबूरी में पहनना पड़ता है, अगर नहीं पहनूँगी तो मम्मी भी डांटेगी। पर मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसको सर्दी जुकाम होते रहता है। तो प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा, ठीक। ऐसे ही वीडियो में आप लोग बने रहिए। बाकी हमारे यहाँ आज लिपाई पुताई हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए आप लोग। तो फाइनली फ्रेंड मेरा खाना पीना हो चुका है, और अभी मैं धूप सेकने के लिए खेतों की ओर आई हुई हूँ, जो कि मेरा उधर घर है। और मेरी बेटी भी सो गई है, देख सकते हैं। अब जा रही हूँ इसको सुलाऊंगी और आज जाऊँगी कॉलेज। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गई थी, बंद था इसलिए नहीं गई थी। वैसे 2 तारीख से खुला था, बट नहीं गई थी ठंड के वजह से। हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। वैसे इधर 2-3 दिनों से धूप भी निकल रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी जा रही हूँ घर, इसको सुला करके जल्दी जल्दी रेडी होंगे, फिर जाएंगे कॉलेज। तो फिर मैं मिलूँगी थोड़ी देर, आप बने रहिए ऐसे ही। तो फाइनली फ्रेंड अभी मैं यहीं पर हूँ, अब मैं जा रही हूँ। और फ्रेंड इतनी अच्छी धूप है, यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा। और फ्रेंड जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, तो थंबनेल मैं पिछली वीडियो वाली मतलब थंबनेल काट करके डाली हूँ, मैं उसमें सही से बोल नहीं पाई थी, क्योंकि हाँ बता दे रही हूँ, मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी टोकरी बना लेती है हमेशा से।
तो इसलिए मैं वीडियो बनाई। प्लीज़ आप लोग कुछ गलत कमेंट मत कीजिए, गलत कहाँ से कीजिए, अपने अंदर हुनर होनी चाहिए, जो कि मेरी मम्मी के अंदर में बहुत ही अच्छी अच्छी हुनर है। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ कर लेती है, बट मेरे में ये सब का हुनर है ही नहीं। मैं बस पढ़ाई करती हूँ, खाना पीना बना लेती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है ना, कुछ बनाने का काम उस टाइप का हमें नहीं आता है। जैसे कि स्वेटर बुनना हो या टोपी बुनना हो, ये सब हमें नहीं आता, सीखना पड़ेगा। देखिए अब वीडियो बनाने लगी हूँ तो उतना टाइम नहीं मिलता ना। और पहले की लाइफ मतलब 2020 में मेरा 10th फाइनल हुआ, उसके बाद इंटर में एडमिशन, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई 2021 में। तो जब से फिर बेटी हो गई तो अब उतना टाइम ही नहीं मिलता उतना। और पहले तो पढ़ाई में ही लगे रहते थे या खेलने कूदने की उम्र थी, तो कहाँ से ये सब सीखती, तो इसलिए मैं कुछ नहीं सीख पाई। वैसे सीखूंगी आगे चल के, देखती हूँ। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड बाय बाय सभी लोग को, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।